दोस्तों इस वीडियो में हम गुजरात राज्य के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद में घूमने की जगहों के बारे में बताएंगे। साबर नदी के तट पर बसा अहमदाबाद सिटी गुजरात का पहला और भारत का पांचवा सबसे बड़ा शहर है, लेकिन यहाँ के कुछ पर्यटन स्थल यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। तो चलिए जानते हैं अहमदाबाद में कौन कौन सी घूमने लायक अच्छी जगह है जहाँ पर आप जाकर घूम सकते हैं। पहले नंबर पर है मानियर वंडरलैंड। अहमदाबाद में घूमने के लिए मानियर वंडरलैंड बहुत ही अच्छी जगह है। गुजरात में बर्फबारी नहीं होती, लेकिन अहमदाबाद के वंडरलैंड में कृत्रिम रूप से निर्मित बर्फ में होने वाले खेलों का आनंद लिया जा सकता है, ठीक उसी तरह जिस तरह से शिमला मनाली में होता है। आजकल के युवाओं और बच्चों के द्वारा यह स्थान बहुत ही पसंद किया जाता है। यहाँ प्रतिदिन हजारों लोग बर्फ की गतिविधियों का लुत्फ उठाने भी यहाँ पर आते हैं, खास करके छुट्टियों के दिनों में ये तो काफी ज्यादा भीड़ यहाँ पर होती है। यहाँ कई प्रकार के स्नो एक्टिविटी भी होती है जिसका यहाँ पर आकर आप आनंद ले सकते हैं। दूसरे नंबर पर है गांधी आश्रम अहमदाबाद। अहमदाबाद से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस आश्रम का निर्माण महात्मा गांधी ने करवाया था, जो साबर नदी के तट पर स्थित करीब 300 एकड़ में फैला हुआ है। साबर नदी के तट पर स्थित होने की वजह से इस आश्रम को साबरमती आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। इस आश्रम में उपासना मंदिर, गांधी स्मारक संग्रहालय, गांधी जी की खादी का कुर्ता एवं उनके पत्र आज भी मौजूद है, जिन्हें पर्यटक बहुत ज्यादा संख्या में इनको देखने के लिए आते हैं। तो अगर आप अहमदाबाद आते हैं तो गांधी आश्रम एक बार जरूर आएं। तीसरे नंबर पर है कांकरिया झील। अहमदाबाद से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस झील का निर्माण राजा कुतुबुद्दीन ने करवाया था। इस झील के मध्य में एक द्वीप स्थित है जहां पर नगीनावाड़ी नामक एक शानदार महल भी मौजूद है। कांकरिया झील में आप बोटिंग के साथ साथ टॉय ट्रेन में बैठकर इस पूरे झील और नगीनावाड़ी महल को निहार सकते हैं, और यहां पर आप कई तरह की एडवेंचर एक्टिविटी भी कर सकते हैं। चौथे नंबर पर है झांझरी जलप्रपात। अहमदाबाद जिले का एक और मुख्य पर्यटन स्थल झांझरी जलप्रपात है, जो शहरवासियों का पसंदीदा पिकनिक स्पॉट है। यहाँ अक्सर छुट्टियों के दिनों में काफी ज्यादा सैलानी प्रगति के सन्निध वातावरण में अपना कुछ समय एंजॉय करने के लिए आते हैं। अगर आप अहमदाबाद घूमने के लिए आते हैं तो झांझरी जलप्रपात एक बार जरूर आएं। पांचवें नंबर पर है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची जाने जाने वाली प्रतिमा है। यह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मारक है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है और इस विशाल प्रतिमा को बनाने का मुख्य उद्देश्य उनकी देशभक्ति स्वतंत्रता संग्राम के माध्यम से लोगों को प्रेरित करना था। छठवें नंबर पर है अक्षरधाम मंदिर। अहमदाबाद के कालूपुर क्षेत्र में भगवान विष्णु को समर्पित एक अत्यंत प्राचीन मंदिर स्थित है, जिसे अक्षरधाम के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण 1822 में किया गया था। अपनी शानदार वस्तुकला नक्काशी के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्ति भाव से स्वामी नारायण के दर्शन करने के लिए आते हैं। अगर आप भी धार्मिक स्थानों में रुचि रखते हैं तो आपको एक बार अक्षरधाम मंदिर में जरूर जाना चाहिए। सच में आपको यह स्थान अत्यंत ही मन भावन लगेगा। सातवें नंबर पर है जामा मस्जिद। अहमदाबाद शहर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह जामा मस्जिद काफी लोकप्रिय है। जामा मस्जिद का निर्माण अहमद शाह ने 1423 ईस्वी में करवाया था। जामा मस्जिद की दीवारों और खंभों पर की गई कलाकारी और नक्काशी देखने लायक है। यह मस्जिद मुस्लिम समाज का है, लेकिन यहाँ पर घूमने के लिए सभी धर्मों के लोग आते हैं। इस मस्जिद में विदेशी पर्यटक भी घूमने के लिए आते हैं। तो अगर आप अहमदाबाद जाते हैं तो अहमदाबाद की इस जामा मस्जिद पर एक बार जरूर जाएं। आठवें नंबर पर है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय संग्रहालय। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय संग्रहालय, जो अहमदाबाद के एक इलाके शहीनबाग में स्थित है, शहीनबाग के मोतीशाही महल परिसर में इस राष्ट्रीय संग्रहालय को देखा जा सकता है। यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक स्मार्ट पार्क भी बना हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों की कई तस्वीर और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी कई बातें इस संग्रहालय में संग्रहित करके आज भी रखी हुई है। अगर आप इतिहास प्रेमी हैं तो आप यहां पर एक बार जरूर आएं। नौवें नंबर पर है वैष्णो देवी मंदिर। अहमदाबाद शहर के सरखेज और गांधीनगर हाईवे पर यह वैष्णो देवी मंदिर स्थित है। इस वैष्णो देवी मंदिर में प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्तों की लाइन लगती है। ऐसा कहा जाता है कि अहमदाबाद में स्थित वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध मंदिर की एक सच्ची माना जाता है। जो लोग जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी के दर्शन पर नहीं पहुंच पाते तो उनमें से अधिकतर लोग अहमदाबाद के इस मंदिर में आकर दर्शन करते हैं। दसवीं नंबर पर है भद्र किला अहमदाबाद। अहमदाबाद से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस किले का निर्माण सुल्तान अहमद शाह ने
में 1411 ईस्वी में करवाया था। इस किले के अंदर एक मस्जिद और एक हिंदू मंदिर भी है जिसे भद्रकाली के नाम से जाना जाता है। इस भद्र किले का प्रवेश द्वार बहुत ही सुंदर है और यहाँ का शिलालेख पर्यटकों के मन को भी मोह लेता है। इस किले में कई सरकारी विभागों के कार्यालय भी स्थित है और साथ ही साथ इस भद्र किले में सिद्धि सायद मस्जिद भी स्थित है। तो अगर आप अहमदाबाद घूमने आते हैं तो भद्र किला एक बार जरूर आएं। तो दोस्तों ये थी अहमदाबाद में घूमने वाली 10 ऐसी जगह जहां पर आपको जरूर जाना चाहिए। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम अपने चैनल पर ऐसे ही ट्रैवल टिप्स से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं।